हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी स्पलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। हाँ यार, मुझसे गलती हो गई है। मैं आरएम के नाम पहले भी यूज़ किया था ओ पार्टी पे, मुझे याद नहीं था। मैंने जॉन कुक की डैड का नाम भी आरएम बोल दिया है, तो आप लोग इसे बुरा मत मानना, ठीक है? मुझसे गलती हो गई है क्योंकि मैं इसे पहले राइट नहीं करती हूँ, आप लोग के साथ डायरेक्टली एक्सप्लेन करके शेयर कर देती हूँ। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने आरएम का नाम पहले भी यूज़ किया है। तो किसी ने बोला है कि मैंने आरएम का नाम पहले यूज़ करके तो कैरेक्टर का नाम मैं गलती से ले लिया है। तो हाँ यार, मुझे याद नहीं था कि मैंने पहले भी आरएम का नाम यूज़ किया था। तो आप लोग इसे गलती समझ के बुरा मत मानना, ठीक है? और कुछ लोगों को ये बोलना है कि मैं उस बांगशियान एफ एफ पे देखो एफ एफ हिंदी स्प्लेन यूज़ करता हूँ। हाँ, मेरे चैनल का नाम है, तो मैं सारी जो वीडियो मैं डालती हूँ उस पर मेरे चैनल का नाम मैं टैग ऐड कर देती हूँ, ठीक है? तो आप लोग इससे बोलते हो कि तेकुक एफ एफ लिखा है, लेकिन ये कौन है, किसका स्टोरी है? हाँ, वो बांगशियान एफ एफ है। जो लोग अनटेम ड्रामा देखे हैं, सी ड्रामा और चाइनीज़ ड्रामा था, वो बहुत ही पॉपुलर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बांगशियान एफ एफ, तो मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, पहले मुझे चैनल का नाम समझ में नहीं आता था कि मैं क्या दूँ, तो मैं तेकुक एफ एफ दे दिया था, और क्योंकि मैं एक बीटीएस आर्मी हूँ इस वजह से, ठीक है? लेकिन मुझे पहले ये भी लगा है कि मुझे बांगशियान एफ एफ भी शेयर करना है, लेकिन मैं तो उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं और एक चैनल खोल लूँ बांगशियान एफ एफ के लिए। तो मैं एक चैनल पर दो कहानी शेयर करती हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है? समझ लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे बांगशियान एफ एफ भी शेयर करती हूँ और तेकुक भी, और इस पे जो नाम टैग लगाती हूँ तेकुक एफ एफ हिंदी स्पेलिंग, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है, तो इसलिए मैं इसको अपनी वीडियो पे डालती हूँ। सो गाइस, बहुत ज़्यादा बात कर लिया है मैंने, तो कहानी शुरू करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जिमिन जो है गुस्से से बाहर निकल जाते हैं, और उसकी डैड यहाँ पे सोचते हैं कि मेरे बेटे क्या पागल है क्या, इतनी बड़ी आदमी की इंसान की साथ बेटे के साथ शादी की बात कर रही हूँ मैं उससे, और वो गुस्से से चले जा रहे हैं। और जिमिन के डैड को कॉल आते हैं, और वो पता लगाने के बाद उसको पता लगते हैं कि तेकुक जो है उसकी कोई पेरेंट्स नहीं है, उसके एक चाचा जी है जो बहुत ही लालची है, और उसे वो इंसान पैसे के लिए अपनी भांजे को बेच दिया था। तो जिमिन के डैड बोलते हैं मेरी बेटी किसके चक्कर में पड़ गए हैं। यहाँ पे जियोन जोंगकुक एक फेमस है, वो इतनी बड़ी आदमी है, और उनसे शादी दिलाने के लिए उसके डैड मान गए हैं, और मेरे बेटे क्या ती के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी तो पेरेंट्स भी नहीं है, वो अनाथ है, उसके चाचा ने तो पैसे के लिए उसे बेच दिया है, और वो उससे शादी करना चाहते हैं मेरे बेटे। जिमिन को तो समझाना पड़ेगा कैसे भी करके मुझे जॉन कुक के साथ जिमिन की शादी दिलवाना है। उसे तो पता नहीं दिमाग में कुछ आता है कि नहीं, पता नहीं किसको अच्छा लग गया है, प्यार में पड़ गया है। इस उम्र में ऐसा गलती होती ही रहती है, कोई बात नहीं, मैं मेरे बेटे को तो जियोन जॉन कुक के साथ ही शादी दिलवाऊंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। फिर यहाँ पे जियोन जॉन कुक के डैड जो है वो जियोन जॉन कुक से मिलने के लिए उसके घर चला आता है, और घर चले आने के बाद जियोन जोंगकुक जब सुनता है कि उसके घर पे उसके डैड आए हैं, हॉल में आके देखते हैं कि उसके डैड सोफे पे बैठा हुआ है, और जियोन जोंगकुक की गुस्से तो पता नहीं कौन से लेवल पे चढ़ गए हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको कैसे पता लग गया कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे यहाँ पे रहने के बारे में इसको किसने इन्फॉर्मेशन दिया है। वो गुस्से से एक फ्लावर वास तोड़ने लगता है और बोलता है आपको यहाँ पे आने की हिम्मत किसने दिया है, और आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला, आप कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है आप हो कौन मेरी ज़िंदगी में, और आप होते कौन हो मेरे लाइफ पार्टनर चुनने वाले, आप समझते क्या हो खुद को, आपको समझ में नहीं आता है क्या मैं बड़ा बन चुका हूँ, मैं जब छोटा था तभी आपको ठुकरा के चला आया था, और मैं खुद जीने लग गया,
और मेरी आप एक पहचान है, मैं खुद जी सकता हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर खुद चुन सकता हूँ। आपको किसने बोला है मेरी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए? आपको इतना हक किसने दिया है मुझे लाइफ पार्टनर चुनने के बारे में बोलने के लिए? आप होते कौन हो? आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? तुम्हें तो मुझसे बात करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करना है कुछ तुम कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया कि तुम जिस लड़के के साथ रहने लग गए हो, तुम्हें क्या पता लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे तो पता चल गया है कि तुम किसके साथ रहने लग गए हो। वो अनाथ के साथ रहने लग गए हो जिसके चाचा एक लालची इंसान है। और फिर वो मन में सोचते हैं कि ज्योयोन जॉन कुक की डैड, वो मन में सोचता है कि जिमिन के पापा उसको कॉल करके बोल दिया है कि जी उसके बेटे जो है एक लड़के के साथ रहते हैं, वो अनाथ है और उसके चाचा लालची है, जो ज्योयोन जॉन कुक के पास उसके भांजे को बेच दिया है और उस लड़के के साथ उसकी बेटे जो है रिलेशनशिप में है। और ये सब कुछ जान के ही वो यहाँ पे आए हैं अपने बेटे को धमकाने के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं, तुमने क्या सोचा? तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? तुम इस लड़के के साथ यहाँ पे रहते हो, क्या तुम इसे शादी करना चाहते हो? हाँ, तुम अमीर हो, एक सेलिब्रिटी हो, तुम चाहे तो इसके साथ मजाक कर सकते हो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके साथ तुम शादी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शादी तो तुम जिमिन से ही करोगे। मुझे जिमिन बहुत अच्छा लगता है, उसकी डैड भी बहुत अमीर है। हमें अमीरों के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना है, ना कि कोई अनाथ से। ये सब कुछ बातें जो है तेई ऊपर से सुन रहा था। वो ऊपर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। वो सीढ़ी से नीचे उतरने ही वाले थे लेकिन नहीं उतरे, क्योंकि ये सब बातें सुन के ते को बहुत बुरा लगता है कि वो अनाथ है। इसमें उसका कोई गलती नहीं है कि वो अनाथ है, उसकी मॉम डैड मर गए हैं, क्या इसमें उसका कोई गलती है क्या? तो जॉनको के डैड बोलते हैं, वो इंसान पहले दुनिया में आते ही अपने माँ बाप को निगल लिया है, और ऐसे इंसान के साथ तुम कैसे रह सकते हो? मैं तो इस इंसान के साथ तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा, तुम्हें तो जिमिन से ही शादी करना पड़ेगा। तो जॉन कुक बोलते हैं, गेट आउट, निकल जाइए आप मेरे घर से। आपको ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे शादी करूंगा, और दोबारा से मुझे ये सब बोलने की हिम्मत भी मत करना। मैं जिसके पैसे से अब तक नहीं जिया, मैं खुद से पैसे कमाने लग गया, मैं अब उनकी बातें सुन के किसी के साथ शादी कर लूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी एक गलत फैमिली है कि मैं जिमिन से शादी करने वाला। वो लड़का तो तेज से प्यार करता है, अचानक क्या हो गया? अब पैसे देखकर लालची बन गया मुझसे शादी करने के लिए? इसका प्यार बिना ये लड़का तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मुझे देख के समझ में आ गया था ये इंसान बिल्कुल बुरा है। देखो तो ज़रा, पहले ते के पीछे पड़ा था, अब मुझसे शादी करने के लिए मान गया है, कैसा इंसान है ये? तो आप यहाँ से जाएंगे या फिर मैं गार्ड को बुलाऊँ कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दे? तो जॉन कुक के डैड बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गार्ड से बाहर निकालने के बारे में बोल रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? तुम अगर ज्योन जॉन कुक हो तो तुम्हारा डैड हूँ मैं। अपनी जुबान से ए नाम मुझे कभी भी मत बोलना कि आप मेरे डैड हो। आप मेरे डैड नहीं हो, अगर डैड होते तो डैड की तरह रहते। ऐसे इंसान किसी के डैड नहीं हो सकते हैं। अपने बेटे को 10 साल में, जब छोटा था, जब 10 ईयर्स का था, उस बेटे को छोड़ दिया है अकेला अपनी लाइफ गुजारने के लिए। सिर्फ पैसे देने से सब कुछ हो जाता है क्या? वो पैसा मैं खुद कमाने लग गया तो मुझे आपकी क्या ज़रूरत? अगर पैसे से ही लोग डैड बनते हैं तो फिर ठीक है, मैं ती की डैड हूँ, मैं उसकी शुगर डैडी हूँ, मुझे ऐसे डैड ही अच्छा लगता है, आप जैसे डैड मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ से जा सकते हो, और मुझे ते पसंद है, मैं ते के साथ, आप जो बोलते हो ना गंदी मुँह से कि उसके साथ मजा करो, शादी करने के बारे में मत सोचो, ऐसी सोच रखने वाले इंसानों के साथ मैं कोई बात नहीं करना चाहता।
मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ते से शादी करने वाला हूँ। अगर आपको शादी में आना है तो आप आ सकते हो, क्योंकि मैं तो सबको बुलाने वाला हूँ। यहाँ पे हर कोई इंसान आएंगे। आप जैसे दो दो तीन आदमी आ भी जाएंगे ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो आ जाना, लेकिन आप यहाँ से जा सकते हो आप, क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करना है। क्योंकि आपने जिस तरह से बात किया है ना, इसके बाद मुझसे आप मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपसे बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से बात करूँगा, क्योंकि आपने वो मौका मुझे दिया ही नहीं। अगर आप मुझसे अच्छी तरह से बात करते या फिर डैड की फ़र्ज़ निभाते ना, तो मैं आपसे बहुत ही प्यार से बात करता। लेकिन आप तो इतने साल बाद भी वो पहले जैसा खड़ूस ही बन के रह गए हो। इसलिए मेरे मॉम आपको छोड़ के चला गए हैं, अब जाकर मुझे पता चला। लेकिन मैं उस औरत को भी कभी भी अच्छा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उस औरत ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो आप दोनों से एक जैसा ही हो, तो आप यहाँ से जा सकते हो। कुछ और सुनना चाहते हो मेरे मुँह से? तो उसके डैड गुस्से से वहाँ से चला जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें तो शादी जिमिन से करना पड़ेगा, और मैं कैसे भी करके तुम्हारा शादी जिमिन से करवा के रहूँगा। तो जॉन कुक बोलता है, मैं भी देखता हूँ आप कैसे जिमिन के साथ मेरी शादी दिलवाते हो, और आपकी क्या फ़ायदा है इसमें मेरे जिमिन के साथ शादी दिलवा के, मुझे समझ में नहीं आता है। इतने दिन बाद आप डैड की फ़र्ज़ निभाने आए हो, इसलिए सब कुछ कर रहे हो, या फिर इसके पीछे कोई और मतलब है जिसके लिए आप जिमिन के साथ मेरी शादी दिलाना चाहते हो? आप जा सकते हो, आपके साथ बात करके मैं बोरिंग हो चुका हूँ, मुझे बोर लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा करना है, जा सकते हो आप। तो वो वहाँ से चला जाता है गुस्से से। जॉन कुक के डैड चले जाने के बाद जॉन को ऊपर देखते हैं। वो ऊपर जाने वाले थे, देखते हैं कि ते वहाँ पे खड़े हुए हैं और सब कुछ सुन रहा था, और उसका फेस देख के लग रहा है कि वो अभी तक यहाँ पे था और सब कुछ सुन लिया है, तो कुछ उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बहुत सैड था। लेकिन जब वो ऊपर जाने लगता है ते के पास, तो ते खुद दौड़ के नीचे आने लगते हैं और जॉन कुक को टाइटली हक कर लेते हैं, और जॉन कुक भी उसको गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, बेबी क्या हुआ, क्या तुम सैड हो? तो ते बोलते हैं, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरा लगा, आपके डैड के साथ इस तरह से बात क्यों किया, मुझे इस तरह से बात किया आपने अपने डैड के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जॉन कुक बोलता है, लेकिन बेबी क्यों, तुमने देखा ना मेरे डैड कैसे हैं, अगर डैड ऐसे होते हैं तो अच्छा हुआ तुम्हारा डैड तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसे डैड होने से तो अच्छा है अनाथ होना। तो ते बोलता है, नहीं मेरे पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके डैड भी अच्छे होंगे, शायद उनकी कोई मजबूरी होगा कि वो ऐसे बन गए हैं। तो जॉन कुक बोलता है, कोई मजबूरी नहीं है बेबी, तुम समझ नहीं सकते हो कि कुछ डैड ऐसे भी होते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे डैड शायद कोई मजबूरी में मेरे साथ ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले से ही ऐसा है। कुछ लोग होते हैं सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट और एंजॉय के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के बारे में उन लोगों को कोई परवाह नहीं होता है, चाहे वो अपने खुद की बेटे ही क्यों ना हो। ये बात तुम नहीं समझोगे, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए हो और सब कुछ सुन लिया, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो ते बोलते हैं, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ, मुझे तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आई प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत ही छोटी उम्र में इतनी अच्छी मौकाम पे पहुंच गए हो, वो भी खुद की दम पर, और मुझे आप जैसा बनना है। ठीक है, तुम्हें मुझ जैसा बनना है तो फिर कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? हाँ, तुम मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, उन लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ एंटरटेनमेंट करो ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ख़राब है, मुझे कुछ अच्छा सा चाहिए ताकि मैं एंटरटेनमेंट फील करूं और मुझे कुछ अच्छा लगे, क्या तुम मुझे हंसा सकते हो? तो ते ही बोलते हैं, मैं कुछ करता हूँ,
वो थोड़ा सा डांस करने लगते हैं फनी तरीके से, और उसको देख के जानकुक हंसने लगता है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है तेकी इतनी मासूमियत देख के, और वो दौड़ के ते को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसको हक करते हैं और फिर उसको किस करने लगते हैं। बोलते हैं, बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे साथ रहोगे ना तो फिर किसी की बातों से मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना और तुम्हारी इन मासूमियत हमेशा बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी इन मासूमियत की वजह से मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें एक्टर बनना है ना, मैं तुम्हें बनाऊँगा, तुम लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हो वो सब कुछ बनना, मैं तुम्हारा साथ दूँगा और कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। और जिन लोग ये बोलते हैं ना तुम अनाथ हो, तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा मॉम डैड सब कुछ हूँ, तो तुम अनाथ नहीं हो, चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम मुझे देख रहे हो ना, मेरे मॉम डैड है, लेकिन मैं अनाथ की तरह जीता हूँ, तो फिर सबसे बड़ा अनाथ कौन हुआ, मैं, लेकिन मैं खुद को अनाथ नहीं मानता हूँ, तो फिर तुम कैसे आप खुद को अनाथ मान सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। तो ते ही बोलते हैं, अब खुद को ऐसा मत बोलो, अगर आप मेरे पास हो तो मैं भी तो आपके पास हूँ ना। फिर जानकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ तुम मेरे पास हो, इसलिए तो मैं इतनी खुश हूँ, मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि खुश होना क्या होता है, सिर्फ एक्टिंग करते रहता था सबके साथ, मुस्कुराता था, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ तब से पता चला है कि खुश होना क्या होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने कमरे में जाके फिर स्वीट मोमेंट होते हैं उन दोनों के बीच में। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।